एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि नहा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से कुछ सैनिक उन्हें मारने आते हैं एंड नहाते नहाते ही वो लोगों को बड़ी मुश्किल से मारते हैं। वेल, ये कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक आदमी आकर एक आदमी के सीने में स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वेल, ये सब देख के लोग कहते हैं कि अब एनिमीज आ गए, जल्दी से भागो यहाँ से, और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने लगते हैं। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग उन्हें मार देते हैं, वो उनके घर और बाकी सब सामान भी जला देते हैं, और बच्चों और औरतों को भी वो बड़ी मुश्किल से और बड़ी बेरहमी से मार देते हैं, और उस पूरी जगह को वो जला देते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। वेल, देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है आइसलैंड का, जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं लड़ाई लड़ाई एंड देन मतलब वो मजाक मजाक में खेल रहे होते हैं। वहाँ पर हमारा थॉर्फिन भी होता है। थॉर्फिन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, मींस मरने का नाटक करता है। वो कहता है कि हमेशा मैं इतनी जल्दी क्यों मरता हूँ, अगर मैं वॉर में मर गया तो वालहला में जाऊँगा। मरने के बाद वालहला में वही जाते हैं जो स्ट्रांग थे और जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो। वेल, नेक्स्ट सीन में इरिक्सन आते हैं और थॉर्फिन से कहते हैं कि थॉर्फिन क्या हुआ, बैटल में हार गए? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो इरिक्सन होते हैं वो जा रहे होते हैं नॉर्वे की तरफ, और वो कहते हैं कि मैं मज़े के लिए जा रहा, मैं ट्रेड के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये सब सारा सामान है वहाँ पर बेचना है, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। एंड वेल, थॉर्फिन पूछता है कि मैं आ सकता हूँ? देन इरिक्सन कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकते, हम मजाक के लिए नहीं जा रहे, मुझे वापस भी आना है, और मैं कोई बेबी सीटर नहीं हूँ तुम्हें बेबी सीट करने के लिए, बस एक मैसेज तुम्हारे पापा तक भेज देना। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में थॉर्स दिखाया जाता है जो कि कुछ सामान बना रहा होता है, बट उससे वो बनता ही नहीं। वेल, नेक्स्ट सीन में थॉर्फिन वहाँ पर आता है और कहता है कि डैड आप कहाँ पर हो? लॉर्ड इरिक्सन ने एक मैसेज भिजवाया है कि एक बहुत बड़ी शिप हमारे यार्ड पर आके रुकी है। वेल, देन सब लोग उस बड़ी शिप को देख रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ी वॉरशिप होती है, एंड जो विलेज के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये क्या, ये थॉर्स थॉर्स क्यों चिल्ला रहे हैं? वेल, तभी थॉर्स आकर कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी जो शिप के सारे लोग होते हैं वो झुक जाते हैं और फिर थॉर्स को सलामी देते हैं। वेल, विलेजर्स ही देखकर कहते हैं कि ये क्या, ये थॉर्स के सामने झुक रहे हैं? वेल, ये है कौन और थॉर्स कौन है? थॉर्स कहता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आओगे। देन वो आदमी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर छुपोगे। थॉर्स, वेल, ये थॉर्स का दोस्त होता है जिसके साथ वो पहले लड़ते आ रहा है, उसका नाम होता है फ्लॉकी। तो फ्लॉकी को लेकर अपने घर जाता है कुछ बात करने के लिए, तो कुछ बंदे आकर उनकी बात सुनने लगते हैं। देन उन्हें पता चलता है कि जो थॉर्स है वो जॉम्स वाइकिंग का एक मेंबर है। फ्लॉकी कहता है कि कुछ इंग्लिश लोगों ने कुछ लोगों को मारा है, जिसमें किंग स्वेन की बहन भी थी जो कि डेनमार्क के एक बहुत बड़े किंग है, इसीलिए जो हमारे जो जॉम्स वाइकिंग है वो डैनिश साइड मींस वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं और उनके लिए लड़ने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे लिए लड़ो। बट जो थॉर्स होता है उसका कुछ मतलब ठीक नहीं लगता, वो कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता। बट जो फ्लॉकी होता है वो कहता है कि तुम्हें आना ही होगा, नहीं तो हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, समझ रहे हो ना थॉर्स, वॉर में तुम्हें आना ही होगा। वो कहता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा चांस मिला है वापस से बैटलफील्ड में आने का, तुम बहुत मज़े से आओगे। थॉर्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक वो लॉन्ग शिप के लिए आए हो जो हमारे विलेज में पड़ी हुई है। फ्लॉकी कहता है तुम बहुत बदल गए हो, या शायद इस विलेज ने तुम्हें बदल दिया है। फेलिंग की बातें सुनने के बाद बच्चे कहते हैं कि वाओ, थॉर्फिन के पापा बहुत खतरनाक थे, जिससे कि थॉर्फिन को भी लगता है कि कितने अच्छे थे मेरे डैड। वेल, नेक्स्ट सीन में जो फ्लॉकी कहता है कि अगर तुम रिफ्यूज़ कर दोगे तुम्हें पता है ना हमारी इज्जत का क्या होगा। इरिक्सन बता रहा होता है कि थॉर्स वॉर्म वाइकिंग का एक मेंबर है और वो सच में बहुत ही पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि वेनलैंड के जो किंग है वो उनसे टैक्स लेने की हिम्मत भी नहीं करते। तभी वाइकिंग्स कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, हमारे बॉस वापस जा रहे हैं। देन हम देखते हैं कि फ्लॉकी अपने बोट पर जाकर कहता है कि मैं फ्लॉकी हूँ, जॉम्स वाइकिंग का मेंबर, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वॉर में शामिल हो जाओ, कल अपनी बोट पर चलो, मैं जाता हूँ क्योंकि थॉर्स ने वॉर के लिए हाँ कह दी है। वेल, विलेज में कभी किसी ने वॉर एक्सपेक्ट नहीं किया होता, इसलिए वो सब खुश होते हैं कि पहली बार वॉर में जाने को मिलेगा, पर थॉर्स बहुत दुखी होता है और वो अपने घर की तरफ चला जाता है। एंड वो अपने घर में जाने के बाद नाराज़ होता है कि वॉर फिर से नहीं होना चाहिए। वेल, वो सोचने लगता है कि मैं जब मैं वॉर कर रहा था तो मुझे लगा कि अब मुझे वॉर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं वॉर से भागकर यहाँ पर शांति से रहने आ गया, और मेरे वजह से ही लोग इतने मुश्किल में पड़ेंगे अभी वॉर के वजह से।
नेक्स्ट डे वो वॉरशिप को निकाला जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा, एंड देन वो रेडी हो जाती है एक वॉर के लिए, एंड वो बड़े मुश्किल से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है और बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे होते लड़ाई, जिसमें जो थॉर्फिन होता है वो मींस बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, एंड एक बार मरने के बाद भी वो फिर से उठकर बच्चों को बड़ी तेजी से मारने लगता है और बहुत गुस्से में होता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो थॉर्स होता है वो उस बोट को रेडी कर रहा होता है और उसके ऊपर फ्लाइज लगा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थॉर्स को एक बच्चे का हाथ ठीक करने के लिए बुलाया जाता है। वेल, उसका हाथ टूट चुका होता है। थॉर्स कहता है कि तुम्हें इतना मुश्किल से नहीं खेलना चाहिए, तुम बच्चे हो, ध्यान से खेला करो। देन तभी एक बच्चा कहता है कि इन सबको तुम्हारे बेटे थॉर्फिन ने ही मारा है, उसे ठीक से खेलना नहीं आता, हम उससे कभी नहीं खेलेंगे। तभी एक आदमी कहता है, देखो थॉर्स, तुम्हारे बेटे ने उससे 3-4 साल बड़े बच्चों को कितनी अच्छे से मार गिराया है, कितने आसानी से, तो सोचो बड़ा होने के बाद वो कितना अच्छा वॉरियर बनेगा। यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है एरी, वो बहुत खुश होता है कि उसको एक सेट मिला है फाइटिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी रेडी हो जाते हैं वॉर के लिए, पर जो थॉर्फिन होता है वो अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से बहुत मुश्किल मतलब नाराज होता है, तो वो घर में जाता है और घर में असली वेपन ढूंढने की ट्राई करता है। वो कहता है कि मुझे एक वेपन चाहिए, असली वेपन, मुझे पता है वो अपने घर में होगा। तो उसकी बहन कहती है कि क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम वॉरशिप पर जाओगे लड़ाई के लिए, ऐसा नहीं होगा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम एक छोटे से बच्चे हो अभी भी। तभी हम देखते हैं कि उसको एक तिजोरी मिलती है जिसके अंदर सच में बहुत सारे वेपन्स होते हैं और हेड गियर्स होते हैं, जिसे देखकर थॉर्फिन कहता है कि वाओ ये कितना मज़ेदार है, एंड वो एक छोटे सा नाइफ निकालता है और कहता है कि ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और उस नाइफ को पकड़ लेते हैं और उस नाइफ में से खून निकलने लगता है। देन वो कहते हैं कि बहुत हो गया थॉर्फिन, तुम्हें समझना चाहिए, एंड वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें वेपन क्यों चाहिए। वेपन किसी को मारने के लिए होता है, तुम्हें किसे मारना है? थॉर्फिन कहता है कि मुझे एनिमीज़ को मारना है। वेल, बाद में वो पूछते तुम्हारी एनिमीज़ कौन है। देन थॉर्फिन कहता है कि शायद हाल्फडन जैसे लोग, बट देन हम देखते हैं कि थॉर्स कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई एनिमीज़ नहीं है, तुम्हें क्या, किसी को कोई एनिमीज़ नहीं है और किसी को कोई हक नहीं किसी को मारने का। थॉर्फिन कहता है कि आप बेतुकी बातें कर रहे हो डैड, तो आप क्यों जा रहे हो देन वॉर के लिए, एंड देन वो वहाँ से भाग निकल जाता है। वेल, देन हम देखते हैं कि थॉर्स अपनी वाइफ से कहता है कि मैं वॉर में जाने के बाद इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। वेल, नेक्स्ट सीन हमें एक फैरो आइलैंड का दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेमोय में होता है। देन वहाँ पर कुछ लोग कुछ मतलब गरीबों को परेशान कर रहे होते हैं, उनको बांध कर उन पर निशाना लगाया जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है। वेल, वो आदमी बहुत ही मुश्किल में होता है क्योंकि वो मरने वाला होता है। तभी वहाँ पर जॉम्स वाइकिंग्स आ जाते हैं, एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नया बंदा इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके साथ जो फॉल्की होता है वो मिला होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 5 pounds ऑफ गोल्ड दे रहा हूँ, तो मेरा काम ध्यान से करना, चाहे तुम कुछ भी करो, बट उसकी डेड बॉडी मुझे चाहिए। एंड वो कहता है कि मैं यहाँ पर थॉर्स को ला रहा हूँ, तुम्हें उसे मारना ही होगा। अब देखते हैं क्या होता है, थॉर्स का दोस्त फॉल्की उसका ही बहुत बड़ा दुश्मन निकला। सो अब आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।